स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है, हां या ना? नहीं समझ में आई, हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आप आचार्य प्रशांत जी को जानते होंगे जो YouTube, Instagram आदि पर उपदेश देते रहते हैं। तो हाँ, मैं आचार्य प्रशांत जी को जानता हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं और गुरुकुल से ही पढ़े हुए हैं। और एक और आचार्य प्रशांत जी हैं जो कि हमारे गुरु हैं, जिन्होंने कि षड् दर्शन समन्वयक यह पुस्तक लिखी थी। हम जब दर्शन स्वाध्याय कर रहे थे गुरुकुल में, तो यह पुस्तक हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई थी। लेकिन फिर लोगों ने बताया कि यह तो आचार्य प्रशांत कोई और ही हैं जो कि नशे में धुत हैं, हुक्का पी रहे हैं, लोगों को धूम्रपान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनका धूम्र का जो दंडिका होती है उसको खुद जला रहे हैं। ऐसे विषयों पर मैं काफ़ी बातें कर चुका हूं, लेकिन मैंने इनको बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, देखा नहीं है। फिर जानने का थोड़ा प्रयास किया और साथ ही साथ दो और व्यक्तियों के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। कहा जाता है कि इनमें से एक व्यक्ति जो है वो शंकराचार्य हैं और दूसरे एक कथावाचक हैं, जिनको कि मैं अपनी भाषा में कोठावाचक बोला करता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने एक और कथावाचक जो थे, जिन्होंने कहा था कि अगर आपका बच्चा पास नहीं हो रहा है तो आप शिवलिंग पर ले जाइए उसको और बिल्व पत्र रखवा दीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। जैसे ही मैंने के ऊपर कुछ कहा तो लोगों ने मेरा विरोध और बहिष्कार करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि अंकुर आर्य का जो जन्म है वो केवल और केवल इस्लाम पर और ईसाईयत पर बोलने के लिए हुआ है, उनको हिंदुओं के ऊपर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मुसलमान जो है वो अपने मौलानाओं पर नहीं बोलते, लेकिन देखिए ये अंकुर आर्य जो है ना, ये तो अपने ही लोगों पर बोल रहा है। अर्थात अपने घर में झाड़ू मत लगाओ, बस दूसरे को बताते रहो तेरे घर में कितनी गंदगी हो रखी है। ऐसा हिंदू चाहते हैं अक्सर, मेरे से भी ऐसी ही उम्मीदें करते हैं, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता हूं, इसलिए उनका भी दुश्मन बन जाता। तो आज हम बात करने वाले हैं एक शंकराचार्य जी के विषय में, कथावाचक के विषय में, और अंत में हम विषय लेंगे आचार्य प्रशांत के विषय में। तो सबसे पहले आप देखिए इनके विषय में कि इन्होंने कहा क्या था और मैंने क्या बोला है। अगर महिलाएं कहीं वेद पढ़ती दिख जाएं तो समझ लो कि आर्य समाज, महिलाएं कहां कहीं अगर अंत्येष्टि कराती या करती दिख जाएं तो समझ लो कि आर्य समाज। बहुत सारी ब्रह्मवादिनी देवियों का इतिहास में वर्णन आता है। महाभारत के शल्य पर्व में एक तपस्विनी का इतिहास आया है जो वेदाध्यन करने वाली और योग सिद्धि को प्राप्त करने वाली थी। इनका नाम था सिद्धा। भरद्वाज की पुत्री श्रुतावली वेद की पूरी पंडिता थी। इसी प्रकार से भारती, मैत्रेयी, गार्गी, सुलभा, द्रौपदी, वयुना, धारिणी, वेदवती आदि कितनी ही देवियों का वर्णन आता है जो वेद पढ़ती थी। वेदवती को तो चारों वेद ही कंठाग्र हो चुके थे। यही नहीं अपितु देवियों को ब्रह्मा की पदवी भी मिलती थी। और अगर किसी को वेदों में महिलाओं के सम्मान या उनकी विद्वत्ता पर शक हो तो वो इस पुस्तक को पढ़ सकता है। इस पुस्तक में सभी एविडेंस, सभी हमारे ऋषिकाओं के नाम दिए गए हैं, उनके क्या कार्य थे वो भी बताया गया है, और यह पुस्तक बहुत ही कम दाम में सनातन हाट पर भी उपलब्ध है। इन महानुभाव ने कहा कि जो महिलाएं हैं और जो दलित हैं, शूद्र कहा इन्होंने तो, कि इनको वेद अध्ययन का कोई अधिकार नहीं है और आर्य समाज ने जानबूझकर के इनको जो यज्ञोपवीत है वो भी दे दिया और वेद का अधिकार भी दे दिया है। इस पर मैंने बोला था कि महिलाओं को कहां पर लिखा है, किस वेद में लिखा है, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप मनुस्मृति का बार बार उदाहरण देते हैं जो कि विक्षिप्त है पूरी तरीके से, और किस प्रकार से विक्षिप्त है यह भी हमने बताया है, और सनातन परिवार के सभी लोग जानते हैं जिन्होंने भी विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ी है या फिर जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर मनुस्मृति का स्वाध्याय जो मेरे द्वारा कराया गया था उसको जिन्होंने देखा है। तो अब इनकी बोलती बंद है और ये कुछ भी नहीं बताते हैं। और मैंने ये बात कई बार कही है कि जो हमारी विदुषी महिलाएं रही हैं, ऋषि ऋषिकाएं रही हैं, ना केवल उन्होंने वेद का साक्षात्कार किया है बल्कि अनुसंधान भी किए हैं, और उस अनुसंधान में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी स्त्रियां या ऋषि ऋषिकाएं रही हैं, वो बहुत अग्रणी थी, लेकिन इस पर सब चुप्पी साध जाते हैं। दूसरे एक और महानुभाव आए हैं जिन्होंने कहा कि स्त्री का हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सुंदर होना पाप हो जाता है। सुनता
क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण भी इसी कारण हुआ था और माता सीता का अपहरण भी इसी कारण से हुआ था। अब आप इस प्रकार के कोठावाचकों पर क्या कहेंगे? पिछले दिनों मैंने कुछ कोठावाचकों का विरोध किया था, जिसका दंश मैं आज तक झेल रहा हूं कि बहुत सारे हिंदुओं ने मेरा बहिष्कार शुरू कर दिया है और मैं इस बहिष्कार को अपने सिर माथे पर रखता हूं। और मैं इसी प्रकार से जो भी हमारे धर्मद्रोही होंगे, जो अल्लाह मौला गाएंगे, जो अपनी भागवत को रोकने का आदेश करेंगे अजान के दौरान, मैं अपने अंतिम प्राण तक उन लोगों का विरोध करता रहूंगा। और इस प्रकार से जो महिलाओं को लेकर के इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे, उनका भी विरोध करता रहूंगा। आप मेरा चैनल देखना बंद कर दीजिए आज से ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब आप दे दीजिए। क्या माता सीता का अपहरण केवल इसी कारण हुआ था क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी? क्या माता सीता का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना उनके हाथ में था? क्या उनके पास में कुछ ऐसी कला थी कि वह अपना रूप बदल लेती थी? ईश्वर की अनुकंपा से हमें रूप मिलता है, आयु मिलती है, शरीर मिलता है, हमारे माता पिता के गुणों से हमें मिलता है, हमारे खान पान से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यदि हर एक व्यक्ति के हाथ में होता तो हर एक व्यक्ति रूप गुण सौंदर्य से परिपूरित हो जाता, ऐसे चुटकी बजाता या कुछ भी उपाय करता हो जाता। क्या माता सीता की इसमें कोई गलती थी? वो हद से ज्यादा सुंदर थी अथवा नहीं थी, यह कौन तय करेगा? अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी जिनको आप हद से ज्यादा सुंदर कह रहे थे उनको छोड़ दीजिए, बहुत सारी सांवली लड़कियां भी होती हैं, बहुत सारी बिल्कुल काले रंग की भी लड़कियां होती हैं, 6 महीने की बालिका होती है, 80 साल की बुजुर्ग महिला भी होती है, इनका भी अपहरण होता है, इनका भी चीरहरण होता है, इनके साथ में भी दुष्कर्म होता है। तो ये कोठावाचक जो हैं, ये क्या कहेंगे? यदि कोई पुरुष जब उसका विवाह होता है या मुसलमानों में कहें कि निकाह होता है, उसके सामने 2 स्त्रियां खड़ी कर दीजिए, एक है कुरूप एक है स्वरूप, वो किसको सबसे पहले चुनेगा? स्वरूप को। मनुष्य में पुरुष हमेशा ये चाहता है कि उसको एक सुंदर सुशील कन्या मिले, लड़की मिले, जिससे वो विवाह करे, लेकिन स्वयं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते, उसका बदला नहीं ले पाते, तो फिर क्या कहेंगे कि उसकी सुंदरता के कारण ऐसा हुआ है। आप भले ही मुझे गाली दीजिएगा, लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि जो एक लड़की जिसका नाम था निर्भया, उसके साथ में जो दुष्कर्म हुआ है, उसके लिए वो लोग जो उसको उठा करके ले गए, वो जितने अपराधी हैं उतना ही अपराधी वो व्यक्ति भी है जो उसको रात को लेकर के डोल रहा था और जो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया। यदि आप किसी की बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको उसको लेकर के डोलने का कोई अधिकार नहीं है, उसको बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप स्वयं में मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, सामर्थ्य आपके पास में है, तभी किसी की लड़की को लेकर के चलें, नहीं तो मत चलें। वो बेचारी आपके ऊपर भरोसा कर रही है और आप उसको गाल में धकेलने जा रहे हैं अपनी कायरता के कारण, अपनी कमजोरी के कारण। आपका तो बस थोड़ी सी देर में आवेग सा उठा और आप उठा करके चल दिए, लेकिन वहां से आपको 4 लोगों ने पीट दिया और भाग आए। यह जो जिन लोगों के साथ में होता है वही इस प्रकार के कोठावाचक बनते हैं और वही लोग फिर सारे के सारे जो गलतियां हैं वो महिला के निकाल करके, उसके रूप सौंदर्य के निकाल करके साइड हो जाते हैं। इस प्रकार के कोठावाचकों पर आपका क्या कहना है, यह भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे सामने आए तो मैं थप्पड़ मार करके ऐसे लोगों का तुरंत बहिष्कार कर दूं, आप भले ही मेरा चैनल देखना बंद कर दें। अब आते हैं आचार्य प्रशांत जी के ऊपर। आचार्य प्रशांत जी को वैसे मैं बहुत निजी तौर पर जानता नहीं हूं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक ही आचार्य प्रशांत जो है, जो हमारे आचार्य जी हैं, उनसे मैं बहुत घनिष्ठता के साथ में हूँ। दूसरे हमारे गुरुकुल से ही निकले हैं, जो कि वेद, दर्शन, उपनिषद, ब्रह्मचर्य पर बहुत अच्छा बोलते हैं। आप चाहें, अगर आपको आचार्य प्रशांत ही चाहिए, तो इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप जान सकते हैं कि जीवन जीने की कला क्या है। वैसे जीवन जीने की कला के नाम पर बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं। हम भी 1-to-1 जब किसी से मिलते हैं, कोई समस्या होती है तो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि जीवन जीने की कला पर हम ऐसे स्पीच देने लग जाएं, भाषण देने लग जाएं और अपना कोई चैनल बनाने लग जाएं। अब सबसे बड़ी बात मैं करता हूं कि जो मैंने अभी तक जिन लोगों की समीक्षा की है, वो धर्म के नाम पर कथावाचक बन करके बैठे हैं या फिर उनको धर्म गुरु का पद मिला हुआ था। इन प्रशांत जी को जो है ना कथावाचक का कोई पद मिली हुई है और ना ही ये धर्म गुरु हैं। ये वेदांत महोत्सव करते हैं, हालांकि वेदांत जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कहना लग जाए कि भाई वेदांत ने ही सनातन वैदिक धर्म का पूरा ठेका ले लिया है या उसी में सब कुछ समा गया है, ये बात गलत होगी। अब
यदि ऐसे व्यक्ति जो लोगों को, युवाओं को प्रेरित करते हैं धर्म की ओर चलने के लिए या फिर उनको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जो उनको नशे आदि से दूर रहने की बात करते हैं, उपदेश देते हैं, जो उनको पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित ना होने का भाषण देते हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो उसी प्रकार के कुकृत्यों में यदि फंसते हुए दिखेंगे तो देखिए बहिष्कार तो उनका होगा। मेरा ऐसे लोगों से या उनके फॉलोवर से केवल इतना ही निवेदन मात्र है कि इस प्रकार से केवल उनको इसी ढंग से या इसी तरीके से लेना चाहिए कि भैया वो कोई बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होगी। देखिए बहुत सारे लोगों के ना माइंड में जिस समय पर वो सफल नहीं हो रहे होते हैं, उस समय पर हो सकता है कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हो नहीं पाती हैं। जो सफल होते हैं, वैभव आता है, ऐश्वर्य आता है, तो करने लग जाते हैं, कुछ प्रयोग के लिए करने लग जाते हैं। तो आप अपनी भावनाओं को आहत न कराएं, केवल उनको जितना उनका पद है केवल वहीं पर रखें, उनको भगवान बना करके ना तोलें, किसी को भी कोई भी हो चाहे उसमें, उसको भगवान ना बना दें। जब भगवान बन जाते हैं और कहीं पे भी आपको गलती दिखती है तो वहीं पर आपका मन जो है वो टूट जाता है, खट्टा हो जाता है, आहत हो जाता है। तो इस प्रकार से तो रही उनके फॉलोअर्स के लिए बात, प्रशांत जी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, जितना भी जाना है, जितना मैंने आपको देखा है इस दौरान, उसी के लिहाज से मैं कह रहा हूं कि आप जैसे लोगों को देख करके युवा अगर प्रेरित हो रहे हैं, अगर आपके फॉलोअर्स हैं, तो सामाजिक तौर पर आपको इस प्रकार के कुकृत्यों से बचना चाहिए। देखिए भारतवर्ष में इन सब चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं है। इस प्रकार से यदि कोई भी करता है तो उसका विरोध होता है, बहिष्कार होता है। यदि आप अपने हाथ में ग्लास लेकर के पाश्चात्य संगीत पर थिरक रहे हैं, यदि आप हुक्का ले रहे हैं, हो सकता है आप नस्य ले रहे हो, हो सकता है आप धूम्र चिकित्सा कर रहे हो, बहुत सारी धूम्र चिकित्साएं तो मुगल काल से चली ही आ रही हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी तंबाकू, नशे वाला तंबाकू लेकर के उसको चिकित्सा का नाम देकर के भी लोग करते हैं, कि बीड़ी सिगरेट में भी चिकित्सा बताते हैं, इवन शराब में भी चिकित्सा बताई जाती है जो पीने वाले हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई भी चीजें हैं तो उनको सामाजिक तौर पर ना किया जाए, और कभी भी इस प्रकार से जो आप करते हैं कोई भी कार्य, उनको सामाजिक करने से बचा जाए, क्योंकि लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो उनको दिक्कतें होंगी। लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे वो महिलाओं को वेद का अनाधिकारी बताने वाले लोग हों, चाहे महिलाओं को हद से ज़्यादा सुंदर होने पर उनको अपराधी बताने वाले लोग हों, चाहे पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करके खुद ही ग्लास थिरकाने वाले, छलकाने वाले लोग हों, इनको भगवान न बनाए, चाहे उसमें अंकुरार्य हो और चाहे कोई भी शंकराचार्य हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी, बाकी आपके हाथ में है किस प्रकार के लोगों के साथ में किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आपने अंत तक देखी होगी, नहीं लगी होगी तो पहले ही बंद कर दी होगी। शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, मेरा भी जितना भी बहिष्कार हो सकता है कर दीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।